नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अशोक गहलोत बोले, महाराष्ट्र में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। कर्नाटक हाईकोर्ट मुडा घोटाला मामले पर आज करेगा सुनवाई। अखिलेश यादव बोले, मतगणना के दौरान पूरी तरह मुस्तैद रहे कार्यकर्ता। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड की रिपोर्ट तैयार, जल्द ही शासन को सौंपी जाएगी। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। राहुल खड़गे को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, मणिपुर में मंत्री ने घर को कटीले तारों से घेरा। हरियाणा मानवाधिकार आयोग को मिलेगा नया अध्यक्ष, सीएम सैनी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। हाईकोर्ट लगा चुका फटकार, 14 महीने से खाली पड़ा था पद। रोहतक में पराली जलाने वाले किसान पर एक्शन, हरसेक से मिली को लोकेशन, टीम ने खेत का किया निरीक्षण, केस हुआ दर्ज। पंजाब में दिसंबर अंत में होंगे निकाय चुनाव, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। एमपी में रिकॉर्ड तोड़ रही नवंबर की ठंड, भोपाल में 10 साल में सबसे ज्यादा सर्दी। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।